हेलो स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर वियता शर्मा फ्रॉम MLS डिपार्टमेंट, मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, पंडोरी भगत। आज हम स्टडी करेंगे साइंटिफिक मेथड्स इन बायोलॉजी पार्ट टू। पार्ट वन में हमने स्टडी किया था वेरियस स्टेप्स विच वी फॉलो ड्यूरिंग द साइंटिफिक मेथड्स, कि हम कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन कौन से स्टेप्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं, ये हमने पढ़ा था पार्ट वन में। अब पार्ट टू में मैं कुछ आपको एग्जांपल्स के साथ स्टडी करवाऊंगी कि कैसे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट है हमने परफॉर्म करना है, उसको सबसे पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट लगाया जाता है और हमारे पास एक कंक्लूजन आता है। सो सबसे पहले, जैसे मैंने लास्ट पार्ट वन में भी आपको बताया था कि साइंटिफिक मेथड्स होते क्या हैं, साइंटिफिक मेथड्स में क्या होता है कि हम कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हैं एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो नेक्स्ट, हम इस पार्ट टू में तीन एक्सपेरिमेंट्स लगाएंगे। सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन होता है कि लाइफ अराइजेज फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि जो हमारे लिविंग थिंग्स हैं वो कहाँ से अराइज हुई हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स से अराइज हुई हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये रेडी ने परफॉर्म किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया रेडीज एक्सपेरिमेंट। इसमें सबसे पहले, जैसे हमें पता हो, जैसे मैंने अभी पिछले पार्ट वन में बताया था कि हम जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं हमारे पास कुछ स्टेप्स आते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, प्रोसीजर, देन रिजल्ट, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। सो वही, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा है इसमें, कि जो फ्लाइज हैं वो, हमने यहाँ पर एक मीट लिया है, मीट जो है वो अनकवर्ड है, एक साइड पे हमने मीट को अनकवर्ड रखा है, दूसरी साइड पर हमने मीट को कवर्ड करके रखा हुआ है। फ्लाइज़ जो हैं वो मीट के ऊपर लैंड कर रही हैं जो कि अनकवर्ड है, और बाद में जो मैगट्स हैं वो अपीयर हो जाते हैं मीट के ऊपर। तो इसमें हाइपोथेसिस क्या होगी कि फ्लाइज़ ही प्रोड्यूस कर रही हैं मैगट्स को। मैगट्स क्या होते हैं? लार्वा ऑफ फ्लाइज़, और जिससे छोटे छोटे कीड़े बन जाते हैं। मींस कि जब भी फ्लाइज़ जो हैं मीट के ऊपर आ रही हैं, लैंड कर रही हैं, तो उससे क्या बन रहे हैं? मैगट्स। तो जो अनकवर्ड जा रहा है उसके मीट के ऊपर जब फ्लाइज़ पड़ रही हैं तो थोड़ी देर बाद उसके क्या बन रहे हैं? मैगट्स। बट कवर्ड जार में वो जो फ्लाइज़ हैं वो मीट के ऊपर लैंड नहीं कर पा रही और मैगट्स जो हैं वो नहीं बन पा रहे। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमारे पास कंट्रोल्ड वेरिएबल्स यहाँ पर क्या होंगे? जार्स, जो हमने टाइप ऑफ मीट यूज़ किया है, लोकेशन, टेम्परेचर, टाइम। मतलब कि हमने सबसे पहले यहाँ पर दो जार्स लिए हैं टाइप ऑफ मीट की, वेदर वो शीप का है या चिकन का है, किसका है, और लोकेशन कहाँ पर हमने रखा है और कितना टेम्परेचर दिया है और कितने टाइम के लिए हमने उसे अनकवर्ड करके रखा है। ये हो गए हमारे कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। एंड मैनिपुलेटेड वेरिएबल्स मीन्स गॉज कवरिंग दैट कीप्स फ्लाइज अवे फ्रॉम मीट, एंड रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स वेदर मैगट्स अपीयर और नॉट। और ये जो अनकवर्ड जार्स हैं इसको हमने सेवरल डेज के लिए ऐसे ही रख दिया है, तो थोड़े दिनों बाद आप क्या देखोगे कि इसमें जो मैगट्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। इन सेकेंड आपने क्या देखा कि यहाँ पर हमने जार्स को कवर किया हुआ है, जो फ्लाइज हैं वो मीट के ऊपर लैंड नहीं कर पा रही, उसको थोड़े दिनों के लिए ऐसे ही रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि मैगट्स जो हैं वो अपीयर हो ही नहीं रहे, क्योंकि फ्लाइज़ जो हैं वो मीट के साथ कांटेक्ट में आ ही नहीं रही और उनका जो लार्वा है वो मीट के ऊपर नहीं पड़ रहा, तो मैगट्स की जो अपीयरेंस है वो नहीं हो रही। सो हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा कि मैगट्स तभी प्रोड्यूस होंगे जब फ्लाइज़ मीट के कॉन्टैक्ट में आएंगी। तो इससे क्या पता चला हमें? स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ मैगट्स डिड नॉट अकर इन कवर्ड जार्स, राइट? सो नाउ वी विल गो टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इन दिस एक्सपेरिमेंट, स्पेलेंजानी एक्सपेरिमेंट, इसमें हमने क्या किया है कि ग्रेवी को बॉयल किया है।
इस ग्रेवी को बॉयल करके हमने क्या किया है, फ्लास्क को ओपन रखा है और ग्रेवी जो है दैट इज स्टीमिंग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए हैं, एंटर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एयर, जब इस फ्लास्क जो है वो ओपन थी, फ्लास्क ओपन होने के कारण एयर भी क्या है इसके अंदर पास ऑन होती रही। अब एयर में हमारे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो जब एयर के कांटेक्ट में ग्रेवी आई तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो ग्रेवी के अंदर एंटर कर गए और ग्रेवी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ग्रेवी को बॉयल किया गया प्रॉपर, तो ग्रेवी को जब हमने बॉयल किया, जैसे मैंने पार्ट वन में भी बताया था कि हम एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, तो इसमें हमने प्रॉपर स्टेप्स के साथ ग्रेवी को बॉयल करके देखा। आपको पता होगा कि जब हम हाई टेम्परेचर पर बॉयलिंग करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किल हो जाते हैं, तो हमने ग्रेवी को हाई टेम्परेचर देकर उसमें जितने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स थे उन्हें किल कर दिया और फ्लास्क को सील कर दिया। फ्लास्क को सील करने से क्या हुआ कि एयर उसमें पास ऑन नहीं हुई, तो लास्ट में हमारे एक्सपेरिमेंट में क्या आता है कि जो ग्रेवी है दैट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। सो इसमें क्या पता चलता है कि वाइटल फोर्स इन एयर वॉज किल्ड। इन थर्ड एक्सपेरिमेंट दैट इज पास्चर्स एक्सपेरिमेंट, इसमें पास्चर ने क्या किया है कि इस एक्सपेरिमेंट में एक वेरिएबल को चेंज किया है, उसने कर्व्ड नेक फ्लास्क का यूज़ किया है। उसने सबसे पहले ब्रॉथ को बॉयल किया है, ब्रॉथ क्या थी, जब बॉयल किया उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो गए और उसकी जो नेक थी वो कर्व्ड थी, तो ब्रॉथ जो है दैट इज़ फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर अ ईयर, मीन्स उसमें एयर का कांटेक्ट नहीं हुआ ब्रॉथ के साथ, तो जो ब्रॉथ थी दैट इज़ फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब नेक्स्ट में उसने क्या किया कि नेक को उसने रिमूव कर दिया। नेक को रिमूव करने से क्या हुआ कि यहाँ पर जो माइक्रो उसमें एयर थी वो पास होना शुरू हो गई, तो जब नेक में से एयर पास होना शुरू हो गई तो एयर के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो इसके अंदर एंटर कर गए और ब्रॉथ में जो है वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ब्रॉथ को बॉयल किया, ब्रॉथ इज़ फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन वी यूज़ द कर्व नेक, व्हेन वी ब्रेक दिस नेक देन ब्रॉथ इज़ स्टीमिंग विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो वंस द नेक वॉज रिमूव्ड बैक्टीरिया एंटर्ड एंड स्पॉइल्ड द होल ब्रॉथ। सो दीज आर द थ्री एक्सपेरिमेंट्स, यू नाउ अवेयर ऑफ ऑल द स्टेप्स विच वी फॉलो इन थ्री एक्सपेरिमेंट्स। इसमें आपको यही पता चलता है कि कैसे हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया और उसे परफॉर्म किया और लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।